हेलो फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है और गर्ल्स वर्दी पर हम हंड्रेड फोर तक डिस्कस कर चुके थे चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं देट्स स्टार्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ गर्ल्स वर्दी कौन सा सक्सेसफुल नावल था फ्रेंड्स मैन ऑफ प्रॉपर्टी फैटर्निटी सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ कन्फ्यूज हो के आप सिल्वर बॉक्स को यहाँ मार्क करके आ सकते हैं क्लियर लेकिन सक्सेसफुल नॉवल पूछा है कोई प्ले नहीं पूछा तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी गर्ल्स वर्दी इज द कंट्री हाउस प्रजेंट्स कंट्री हाउस क्या बताता है फ्रेंड्स अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास को तो कंट्री हाउस की बात करें इसमें अपर क्लास दिखाई जाती है फ्रेंड्स अपर क्लास ए वाला ऑप्शन आपका ओके okay हो गया और जो प्ले डेफिनेटली एक स्क्वायर है स्क्वायर अथॉरिटी उसके चारों ओर ये प्ले घूमता है और मास्टरपीस की बात करते हैं गल्सवर्दी के तो कौन सा है फ्रेंड्स द पैट्रिशियन फ्रीलैंड्स फोरसाइड्स आगा या फटर्निटी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्या है एक फोरसाइड्स आगा है उनका मास्टरपीस कहा जाता है और पब्लिश हुआ था उन 1922 को विच प्लेनाइज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक लाइफ मॉडर्न पब्लिसिटी का प्रभाव एक प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर यह किस प्ले में एनालाइज किया है द शो जोसलिन स्केप और नन ऑफ दिज तो देखिए अगर इम्पैक्ट की बात करें मॉडर्न पब्लिसिटी का प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर तो फिर बात करनी पड़ेगी हमें दशो की आंसर आपका है द शो द आयरन फारसीज होल्ड्स अप द पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग वेल्दी क्लास रूलिंग तो आयरन एंड फारसीज क्या दिखा रहा है कौन सी पिक्चर दिखा रहा है होल्ड्स पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स ओवर द पुअर क्लास एंड फाल्टैटरिंग ऑन दैम ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक दैम रिच ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटनिंग दैम फ्लैटरिंग दैम तो डेफिनेटली देखिए आंसर तो पुअर क्लास की बात की है भाई वेल्दी क्लास है वो पुअर क्लास पे क्या कर रही है उसकी फैटनिंग कर रही है या उनको ट्राइंग टू मेज द एमरिच देखिए हम पुअर क्लास ए और बी दोनों में से आपको नीचे के दो ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई ऑप्शन आपका राइट है और सिंपली राइट कौन सा होगा भाई अगर एक आइलैंड फारसीज की बात करें तो वेल्दी क्लास रूल करती है रूल करती है तो उसको रिश्त बनाती नहीं है उसको क्या करती है फैटनिंग करती है क्लियर कट आंसर निकल गया फ्रेंड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास क्लास का प्रभाव किस प्ले में दिखाई देता है स्केप पीजियन स्किन गेम या लॉयल्टीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो क्लास प्रभाव की बात है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास की बात है तो फिर वो आंसर होगा आपका द स्केप पीजियन इसकिंग गेम और लॉयल्टीज नहीं है गार्ल्सवर्दी इज पैसिमिस्ट, बहुत साइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग पैसिमिस्ट, रियलिस्ट बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट और, और रियल रे रिवॉल्यूशनरी अब देखिए भाई गार्ल्सवर्दी क्या थे ये साहब तो पैसिमिस्ट तो नहीं थे फ्रेंड्स तो दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं अब बात कर लेते हैं रियलिस्ट की और रिस्ट की देखिए रियलिस्ट बिल्कुल थे बहुत माइन्यूट एंड डेलिकेट हाँ बिल्कुल थे अब डी देख लेते हैं जरा द रिएक्शनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी देखिए रिवॉल्यूशनरी वाला सेंस यहाँ नहीं था क्लियर फ्रेंड्स क्रांति वाला कोई सेंस नहीं था तो आंसर आपका ये भी कट गया आंसर आपका हो गया सी इन विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर दी डू वी हैव विलियम फाल्डर भैया मन की बात कह दी ये तो पूछा था क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ इसमें इसका आंसर भी मिल जाएगा चलिए मुझे ही बताना पड़ेगा हम क्योंकि कमेंट्स तो आपके आए नहीं अभी चलिए फ्रेंड्स फाल्डर कौन से प्ले में लॉयल्टी सिल्वर बॉक्स जस्टिस या स्ट्राइफ तो डेफिनेटली फाल्डर की बात है तो हमारा आंसर होगा जस्टिस जस्टिस में है फाल्डर गार्ल्सवर्दी इज वॉक दैट आंड हिम नेम एंड फेम किसने नेम और फेम दिया गार्ल्सवर्दी को फॉर साइड सागा मैन ऑफ प्रॉपर्टी लॉयल्टीज यान तो फ्रेंड्स नेम फेम की बात करें तो फॉरसाइड सागा ने, ने नेम और फेम दे दिया लाइफ इज़ अ लॉन्ग वन लॉन्ग टेम्पटेशन एक लंबा प्रलोभन होता है लाइफ जीवन कौन कह रहा है गार्ल्सवर्दी जस्टिस स्किन गेम पिग और शाह ने कहा आर्म्स एंड द मैन में देखिए लाइफ लॉन्ग प्रलोभन किसको कहा है लाइफ्स वन लॉन्ग प्रलोभन जीवन एक लंबा प्रलोभन है तो ये जो लाइन रही है गार्ल्सवर्दी की रही है फ्रेंड्स डेफिनेटली शाह ने तो किसी में नहीं कहा ये और गाल्सवर्दी की रही है जस्टिस या स्किन गेम तो डेफिनेटली ये लाइन जो रही है फ्रेंड्स जस्टिस को लेकर रही है वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज हम एक हाईली सिविलाइज्ड एज में रहते हैं एंड साइट ऑफ ब्रूचल वायलेंस डिस्टर्बड अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे और इसका जो ब्रूटल वायलेंस का जो साइट है वो हमें डिस्टर्ब करता है अजीब तरीके से इवन वेन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर यद्यपि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस मैटर में नहीं है बट वैन वी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन ए वूमन हुम वी लव वॉट मैन चलिए फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है सिविलाइज एज की ब्रूटल वायलेंस uh, की बात हो रही है तो मॉम लॉयल्टी जस्टिस तो ये फिर जस्टिस का हिस्सा है जेम्स हो वाल्टर हो रॉबर्ट कॉक्सन, विस्टर कावले फाल्डर रूथ ये कौन से प्ले के करेक्टर हैं एक ही क्वेश्चन में आपके दो चार छः क्वेश्चन तैयार हो गए बात बात क्लियर फ्रेंड्स अगर इनमें कोई करेक्टर दे दिया जाए कह दिया जाए गर्दी के कौन से प्ले में हैं या कौन से नोवेल में है आपको बताना है तो इट विल बी ए वेरी टफ जॉब लेकिन कोई बात नहीं यहाँ सारे करेक्टर हैं किस प्ले का हिस्सा हैं देख लेते जरा ऑप्शन भी स्किन गेम जस्टिस मॉब या सिल्वर बॉक्स तो ये सारे कैरेक्टर फ्रेंड्स कॉक्सन हो काउली हो फाल्डर रूथ, और हाउ, वाल्टर हाउ, जेम्स हाउ ये फ्रेंड्स किस में रहे हैं ये तो भाई जस्टिस में रहे हैं योर आंसर इज जस्टिस अ थर्ड ओल्ड वीक एंड विल्ड यंग मैन ऑफ नर्वस टेम्पराेंट ठीक ही फॉल्स इन लव विद रूथ अब देखिए जरा रूथ कौन से प्ले में है चेक टू गेट मनी टू रन अवे विद हर एंड फाइनली गेट पीनल सर्विट्यूड फॉर थ्री इयर्स देखिए कई हिंट मिल गए आपको डेफिनेटली आपका आंसर पता होगा आपको अब चल नहीं पता होगा तो लग गया होगा कौन सा कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं तेईस साल का लड़का है नर्वस है रूद से प्रेम करता है चेक पे फर्जी साइन करता है हुँ? और तीन साल की जेल भी काटता है भाई तो इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हो सकती हैं वो फ्रेंड्स किस में हो तो में नहीं हो सकती है क्लियर वॉट इज द यूज़ ऑफ ऑल दीज ऑफ लॉफ्ट आइडियाज दैट यू कान्ट लिव अप टू इन आइडियाज़ का क्या फ़ायदा जब आप इन में जी नहीं सकते लिबर्टी क्वालिटी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सी वॉट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर दैम वेयर डू दीज लाइन्स अपर लाइंस कहाँ से ली गई हैं ये लाइंस हिस्सा रही हैं फ्रेंड्स रूफ स्किन गेम विंडोज या नन ऑफ दीज तो ये हिस्सा रही हैं फ्रेंड्स किसका विंडोज का ये लाइन अवेकिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वॉक्स ऑफ अवेनिंग मॉडर्न कॉमेडी डेफिनेटली फ्रेंड्स योर आंसर शुड बी गर्ल्स वर्दी लेकिन अगर ये क्वेश्चन अवेकनिंग एंड द मॉडर्न कॉमेडी अगर ये यहाँ तो चलिए गाल्सवर्दी स्टडी कर रहे हैं आपने तुरंत गैस कर लेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन जनरल कंटेस्ट में आ जाए ये आपके एग्जाम में तो वहाँ तो पहला जरूरी थोड़ी है एक क्वेश्चन सारे गाल्सवर्दी के एक साथ आए भाई पहला क्वेश्चन गाल्सवर्दी का आ गया फिर सेवेंटी वाला आ गया फिर एट्टी वाला आ गया फिर हंड्रेड वाला आ गया समझ रहे हैं ना तो वहाँ टफ हो जाता है काम को पहचानना क्वेश्चन का आंसर गैस करना अब एक नीन मॉडर्न कॉमेडी की बात करें तो डेफिनेटली गाल्सवर्दी ने लिखी चलिए और कैरेक्टर आ गए डेंसी डी लेवस वैनियज टीजर रॉबर्ट लॉर्ड सेंटर्थ बॉरिंग मिस मार्गरेट और मेबल गिलमैन रिकॉर्डर्स रिकॉर्डर्स ग्रेवियर एंड जैकब अब भाई इतने करैक्टर हैं देखिए डेफिनेटली इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए बस ये दस क्वेश्चन एक ही प्लेस एक ही क्वेश्चन से तैयार हो गए आपके तो ये सारे करेक्टर कौन से प्ले में हैं फ्रेंड्स ये लॉयल्टीज़ के करैक्टर हैं कि रूफ के हैं स्किन गेम के हैं या विंडोज़ के हैं अगर कोई करैक्टर पता हो आपको लॉयल्टीज़ का एक या दो करेक्टर तो आप यहाँ से तुरंत गैस कर लेंगे लेकिन अगर आपने एक भी करेक्टर लॉयल्टीज़ का नहीं पता तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लॉयल्टीज़ के ही सारे कैरेक्टर हैं वी कट ईच अदर्स थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटि अच्छे मोटिव के लिए हम क्या करते हैं एक दूसरे का गला काटते हैं कहाँ से लाइन ले ली भाई बड़ी अच्छी लाइन है लॉयल्टीज स्किन गेम एल्डरसन तो लाइन तो फ्रेंड्स ये कहाँ से ली गई है गला काटने की बात लॉयल्टीज़ में हो रही है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास क्लास का प्रभाव दिखाई देता है किस पे दिखाई देता है फ्रेंड्स स्केप पीजीएन इसके गेम लॉयल्टीज तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसकेप पे दिखाई देता है फेथ और अंडरस्टैंडिंग और पीजियन की बात करें तो सोशल डेट्रियोरेशन उसमें वो दिखाई देता है स्किन गेम की बात करें तो एरिस्टोकेसी की यहाँ बात हुई है एरस्ट्रोक्रेसी और एरिस्टोकेटिक क्लास की लॉयल्टीज़ की बात करें तो रेशियल प्राइड है और क्लास कन्वेंशन है तो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास तो डेफिनेटली फ्रेंड्स फिर आपका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स लॉयल्टीज़ यहाँ लॉयल्टीज़ की ही बात हो रही है यंग मैन किल्स हर ओन इन एलिजिटीमेट चाइल्ड टू स्केप सोशल टायरनी सोशल टाइरनी से बचने के लिए एक यंग मैन अपनी जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसको मार देता है विंडोज़ द रूफ एंड द स्किन गेम तो किसकी कहानी है इन दोनों में से आपका आंसर है ये कहानी है विंडोज़ की आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इन विच नॉवल इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंड बैरियर्स बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेकिंग डाउन द इनहबिशंस इनहेबिटेंस एंड बैरियर बार बैरियर की बात तोड़ने की बात कर रहा है द रिजल्ट ऑफ द वॉर वार के रिजल्ट के रूप में तो सेंट प्रोग्रेस जोसेलिन फैटर्निटी तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर मुझे इसका लग रहा है ना जोसलिन है ना फैटर्निटी है फिर सेंट प्रोग्रेस है द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इट इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न ये लाइन कहाँ से आई है तो भाई द ओनली वे टू गेट ऑर्डर इज टू ब्रिंग डिसऑर्डरली अप with the round turn fraternity जोसलिन the skin game पीजियन तो लाइन तो फ्रेंड्स कहाँ से ली गई है डेफिनेटली ये पीजियन का हिस्सा है पीजियन डी द फाइनेस्ट गर्ल्स फॉर द लेटर ड्रामा लेटर में फाइनेस्ट कौन सा था भाई इसके पीजियन स्किन गेम रॉयल्टीज तो भाई लेटर ड्रामा में बात कर लेते हैं ज़रा स्केप कब आया था 1925 26 के आसपास आया होगा पीजियन कब आया था फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम में ही आ गया था और शायद 1912 में पीजियन आया हम्म आया और तो लेटर ड्रामा लेटर में तो फिर फ्रेंड्स जस्ट एमेंट आपको लॉयल्टीज़ मिलेगा आंसर स्किन गेम भी नहीं है लॉयल्टीज़ है द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइज यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट एक सेंटीमेंट की जो वैल्यू है एक भावना की जो वैल्यू है वो वो अमाउंट है जो आप सक्रीफाइज करते हैं या उसको करने के लिए तैयार रहते हैं ये जो लाइंस हैं ये हिस्सा है बियॉन्ड अ बिट ऑफ लव विंडोज और सेंट्स प्रोग्रेस तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये लाइन ली गई हैं विंडोज से

फलॉसफर कैसा है पुअर है जिसके व्यूज नैरो होते हैं तो कौन कह रहे हैं भाई गाल्सवर्दी तो सा है हार्डी लॉरेंस तो गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है क्लियर फ्रेंड्स विच ड्रामा डिपिक्ट फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस आइडियलिस्ट किसके अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस के अगेंस्ट मॉब रूफ इस गेम विंडोज तो कौन से प्ले की आउटलाइन है कौन से प्ले की थीम है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्ड सोशल फोर्सेस की बात करते हैं तो ये है मॉब का हिस्सा मॉब की थीम और दी आइडियाज ऑन ड्रामा कैन वी फाउंड कलेक्टिवली ऑफ सीज एन टाइटल्ड दी के आइडियाज ऑन ड्रामा ड्रामा पर आइडियाज़ कौन से प्ले में रहे हैं भाई द ऑशियन ऑफ ट्रेंक्विलिटी रिवर ऑफ ट्रेंक्विलिटी द इन ऑफ ट्रेंक्विलिटी ट्वेल्व तो डेफिनेटली फ्रेंड्स द इन ऑफ ट्रैंक्टी क्लियर फ्रेंड्स और ये इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या था प्ले नहीं था फ्रेंड्स ये क्या था एक प्रोज वर्क था इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी और पुअर जॉन्स कहाँ आ गया भैया जस्टिस फटर्निटी सिल्वर बॉक्स पुअर बेचारा जॉन तो फ्रेंड्स कहाँ से है सिल्वर बॉक्स से हैं ये भाई साहब गुड मैन आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर आला फॉर वॉन्ट ऑफ ह्यूमन इंसाइट भाई जो अच्छे लोग हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं डेली क्लियर Humans' insight which view them as they are patient and not criminals. और इस बात को ध्यान देना चाहिए भाई lack of human insight है कि वो हैं क्या हैं वो patient हैं को criminal नहीं है तो friends definitely कौन से play की बात हो रही है justice strife? तो भैया बात न्याय की तो हो ही रही है कानून की हो रही है ला तो कौन से प्ले में हो रही है भैया जस्टिस की बात है फिर सीधा सीधा सा क्लू मिल गया आपको इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच आर्टिस्ट का काम नहीं है भाषण देना समझाना उसका बिजनेस क्या है टू पोट्रे चित्र बनाना बट पोल्ट्रे ट्रूली ही कांट इफ़ ही इज डिवॉइड ऑफ इनसाइट विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सम्पैथी और उसको क्या करना है डिवॉइड ऑफ द इनसाइट अगर वो इनसाइट नहीं है उसके अंदर उससे वंचित है तो वो उस पोर्ट्रेट को बना ही नहीं सकता भाई वो उसके पास अंतर ज्ञान नहीं है देखिए सिंपल सी बात है यहाँ गल्सवर्दी के कहने का मतलब है कि भाई आर्टिस्ट का बिज़नेस भाषण देना नहीं है सिखाना नहीं है उसका बिज़नेस एक चित्र बनाना और अगर उसमें समझ नहीं है अंतर्ज्ञान नहीं है तो भाई वो चित्र तो बना ही नहीं सकता बात क्लियर है बात वो सच्चा चित्र नहीं बना सकता बस इस बात को कह रहे हैं अनादर सीफ़ में फाइव टॉ टेल्स में और अवेकनिंग में और बाकी क्या बाकी नन ऑफ दीज होगा ऑल ऑफ दैम तो होने का नहीं तो चलिए कहाँ की लाइन कही है उन्होंने इस बात को अनादर सीफ में कहते हैं लीडर ऑफ़ द लेबर लीडर कौन है लेबरर्स का तो डेफिनेटली फ्रेंड्स क्वेश्चन ऊपर आ गया था डेविड है गर्ल्स वर्दी नॉवल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखाई देता है इफेक्ट ऑफ एंड कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है किसका इंडिविजअल एंड यूनिवर्स का फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी और क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन तो क्या है फ्रेंड्स आंसर इसका क्या है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी बात क्लियर ऑल प्लेज ऑफ आर कैसे हैं भैया सारे प्लेज मेलोड्रामा गोटिक या सोशल ट्रेजिडी या क्लोजेट तो डेफिनेटली फ्रेंड सोशल ट्रेजडीज हैं प्रॉब्लम आल्सो सोशल ट्रेजडीज लॉ इज ए मजेस्टिक एडिफाइस सेल्टरिंग ऑल ऑफ़ ऑफ अस स्टोन विच रेस्ट ऑन अनदर एक ऐसी बिल्डिंग है लॉ तो जिसका एक पत्थर दूसरे पत्थर पे रखा हुआ है क्लियर है कितना ऊंचा टावर होता है तो जस्टिस स्ट्राइफ लॉयल्टीज या सिल्वर वॉक्स कहाँ कही हैं लाइन ये डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए ये जो लाइन्स हैं ये जस्टिस का पार्ट है जस्टिस से ली गई है द फोर साइड्स सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन लेट एंड टू इंटरड्यूट्स अच्छा भैया इंटरड्यूट्स का नाम बताना है फोर साइड्स आगा की जरा बता दीजिए <laughs> देखिए एक तो इंडियन समर थी तो इंडियंस विंटर ऑटम समर ये मिल गया ऑप्शन इंडियन समर ऑफ फ़ॉरसाइट एंड अवेकनिंग ये दो इंटरड्यूड थी टाइटल क्या है जस्टिस का आयरनिकल है क्योंकि जस्टिस में न्याय तो टाइटल है लेकिन अन्याय की बात होती है जस्टिस वोज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी स्कॉटिश सोसाइटी या इंग्लिश सिस्टम या अमेरिकन अच्छा ऑप्शन यहाँ बदल दिए हैं भाई क्वेश्चन में तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात होती है ना स्कॉटिश की है ना अमेरिकन की है ना ब्रिटिश सोसाइटी की है ब्रिटिश लीगल सिस्टम की इंग्लिश लीगल सिस्टम की द ग्रोथ ऑफ एन एडोल्स गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट लवर एंड अ वन भाई एडोलसेंट गर्ल की बात हुई है तो कौन से प्ले की है डेफिनेटली फ्रेंड्स जॉय की कहानी है ऊपर आया था एक जगह के हिंट वहाँ से मिलता है थोड़ा देयर कैन ओनली वी वन मास्टर इन हाउस है घर में एक मास्टर हो सकता है वैन टू मैन मीट द बेटर मैन विल रूल जब दो आदमी मिलते हैं तो जो अच्छा होता है वो शासन करता है कौन कहता है इस बात को ये बड़ी अच्छी बात कह दी भाई एंथोनी रॉबर्ट्स हार्डस फॉल्डर तो ये जो स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स ये एंथोनी का रहा है जिस ट्राइफ में मास्टर और मास्टर्स मैन और मैन मालिक मालिक होते हैं आदमी आदमी होते हैं वन डिमांड एंड मेक इट सिक्स उनसे एक मांग करोगे तो वो छह बनाएंगे इसको कौन कह रहा है इस बात को भाई देखिए ज़रा तो एंथोनी रॉबर्ट्स और हार्नेस फाल्डर तो फ्रेंड्स ये एंथोनी कहता है किस में स्ट्राइफ में एंथनी इन स्ट्राइफ रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देर वॉज़ नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ कोई रियल बिलीफ नहीं है फ्यूचर लाइफ में इसलिए जो रिलीजन है वो नियरली डेड है तो गार्ल्सवर्दी कह रहे हैं भाई हार्डी गार्ल्स तो यहाँ तो सीधा ऑप्शन दे दिया गार्ल्सवर्दी साहब कह रहे हैं इस बात को हु कोर्ट्स द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंट लाइन तो फ्रेंड्स मर्स नोवेनिस किया गई। लेकिन यहाँ जस्टिस में कौन कह रहा है भैया इस बात को वाल्टर हो रॉबर्ट कॉक्सन फाल्डर स्वीटर ये कहता है फ्रेंड्स इस लाइन को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है याद जरूर कर लें इसको और वैसे तो सबको याद करना है भाई वाल्टर हो की ये लाइन है वाल्टर हो कहता है इसको द क्लास कंसस प्रिजाइज ऑफ एन ओल्ड इंग्लिस बैरोनट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एलडेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्वेंट मेड देखिए कहानी है शादी की एल्डेस्ट सन की फैमिली की और उसके में जो मेड काम करती है उसकी तो किसकी है कहानी एल्डरसन की ही ये थीम है विच प्ले ऑफ गर्ल्स गाल्सवर्दी डील्स विद द इन एडिकेसी ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एडिकेसी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की अगर बात कर रहे हैं द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स द स्केब्ड प्रिजनर स्केब्ड प्रिजनर के प्रति तो हम फिर बात स्केब्ड की करेंगे स्केप ही इसका आंसर है नेम द केटिक रिमार्क जस्टिस कमेंट्री अपॉन द प्रीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड बड़ी अच्छी बात कह दी भाई बड़ा अच्छा कमेंट दे दिया प्यारा सा तो कोस्ट ए सी वर्ल्ड और नोकोल और स्कैम्प एक बार और पढ़ नहीं जरा क्वेश्चन को भाई कभी गलती ना हो जाए किसने कहा जस्टिस को लेके कर ए कमेंट्री अपॉन द्रीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड तो ये तो फ्रेंड्स ए सी वार्ड का स्टेटमेंट रहा है ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिट गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस किसको मॉडल मान के गार्ल्सवर्दी ने नाटक लिखे जॉन्स बर्नाड्सा इवसन और ननोतीस तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहाँ से लिखे किब्सन रोल मॉडल था किसका गाल्सवर्दी का वॉट इज़ गार्ल्स वर्दीज फ्राम द फोर वेंड्स फ्राम द फोर वेंड्स क्या है गार्ल्सवर्दी का कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है नॉवल्स है ये ड्रामा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बात कर लें तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द फोर वेंट्स चलिए फ्रेंड्स वन फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस थी कि और आगे जो है जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो